Assalamu alaikum students, today we are going to start our fourth chapter of geography class 6 and the title of your chapter is rocks. तो हम reading start करते हैं. सबसे पहले paragraph में वो बता रहा है कि if we look at on our daily life, we see that we use many natural things which are solid. अगर हम अपनी daily life में देखें तो हम मुख्तलिफ solid चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें salt है, limestone है, chalk, marble वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं और ये रॉक्स हैं. बेसिकली रॉक्स की फॉर्म थी, उसको कन्वर्ट करके सॉल्ट बना दिया गया. नमक, लाइमस्टोन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं पेंट वगैरह में और इसी तरह चॉक बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं और मार्बल जो आपके घरों में फर्श के तौर पे इस्तेमाल होता है. लाइथोस्फेयर इज़ फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स एंड मिनरल्स. लाइथोस्फेयर के बारे में हम लास्ट चैप्टर में जिक्र कर चुके हैं. लैंड के हवाले से जो स्फेयर है उसको लाइथोस्फेयर कहते हैं और इसी ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन के अंदर हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स और मिनरल्स भी मिलते हैं. तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स और मिनरल्स होते क्या हैं. एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो भी होता है वो किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का सिंपल फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी हों तो अगर आप उनको खोलें तो उसके अंदर सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के. अब वो बेसिकली होते तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, लेकिन उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट उसके पीछे, वो सिलिकॉन होता है, वो सिलिकॉन के बने होते हैं. इसी तरह आपके घर में वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स या केबल वायर्स जो होती हैं वो कॉपर की या सिल्वर की बनी होती हैं. तो जो कॉपर और सिल्वर है वो कोई एक एलिमेंट है जो हमारे अर्थ की लाइथोस्फेयर में पाया जाता है. सो ऑल द थिंग्स फाउंड इन अर्थ आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. तो दुनिया में जो भी चीज़ें, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी एलिमेंट की बनी होती हैं. इसके बाद हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स आर वाइटल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ. ह्यूमन बींग्स यूज़ दीज रिसोर्सेज. हमें पता है कि मिनरल्स जो हैं हमारे लिए रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, जैसे कोयला, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, सॉल्ट, नमक, आयरन, लोहा वगैरह. ये तमाम चीज़ें हमारी बेनिफिट की हैं जो हम एज अ मुख्तलिफ तौर पे इनको यूज़ करते हैं और ये मिनरल्स हैं. दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. और ये मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की भी बनी होती हैं. इसके अंदर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं और ये तमाम चीज़ें मिनरल्स हैं. तो हमने पहले ऊपर बात की कि ये तमाम चीज़ें रॉक्स हैं और रॉक्स के अंदर या लाइथोस्फेयर जो हमारा लेयर है ये डेफिनेटली रॉक्स की बनी है. तो उसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं. अब हम बात करेंगे डिटेल में कि रॉक्स क्या होते हैं. रॉक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स. तो रॉक क्या है. रॉक दो या दो से ज़्यादा मिनरल का कम्बिनेशन होता है. और मिनरल हमने ऊपर बात कर ली कि ये बहुत सारी चीज़ें, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह, अगर इन्हीं मिनरल्स को कंबाइन करें तो एक रॉक बन जाता है. लाइथोस्फेयर इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सम ऑफ विच आर सॉफ्ट लाइक शेल एंड सम आर हार्ड लाइक डायमंड. तो मुख्तलिफ टाइप के रॉक्स लाइथोस्फेयर में पाए जाते हैं. कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं. इन सम रॉक्स क्रिस्टल्स आर फाउंड एंड इन सम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. कुछ इवन रॉक्स के अंदर क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं और कुछ के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं, मतलब कि मरे हुए जानवर या प्लांट्स की उसके ऊपर हड्डियाँ या उनके प्लांट्स की शेप बनी होती है, मीन्स उसमें पाए जाते हैं फॉसिल्स. सम रॉक्स अब्जॉर्ब वाटर एंड सम डू नॉट. कुछ रॉक्स जो हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते. दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट अपॉन द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स. और डेफिनेटली ये जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी रॉक्स की फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बने हुए हैं. तो हम बात करेंगे ये टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में. अब टाइप्स ऑफ रॉक्स, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. आज हम इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करेंगे. तो इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इग्नियस रॉक्स के बारे में कुछ बताया हुआ है. तो ये काइंडली अपने सामने ये डायग्राम रख लें और मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा साथ में समझ आता रहे. गोइंग इन टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेज. अगर आप यहाँ से ज़मीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा. इन द सेंटर द टेम्परेचर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड. अगर आप ज़मीन के सेंटर में चले जाएँ तो तकरीबन 5000 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द टेम्परेचर होगा, जो कि इक्विवेलेंट है तकरीबन सन के टेम्परेचर की. इक्वल तकरीबन सन का टेम्परेचर भी 5000 से 6000 सेंटीग्रेड के करीब है. सो ड्यू टू दिस हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स द मिनरल्स मेल्ट एंड अ थिक इग्नियस मैटर मैग्मा इज फॉर्म्ड.
अब होता क्या है कि जब ये रॉक्स नीचे पाए जो जाते हैं, जो सेंटर के अंदर वो मेल्ट होते हैं, या जो अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं वो मेल्ट होते हैं, और वो जो मेल्ट फॉर्म होती है उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा बनता है तो फिर क्या होता है, द मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड लावा। तो जब ये पत्थर पिघली हुई फॉर्म में अर्थ के सेंटर में होते हैं तो इनको हम मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा ट्रेवल करते करते जब अर्थ से बाहर आता है तो हम इसको लावा कहते हैं। जो जब वॉल्केनिक एरप्शन होती है, तो ये याद रखिएगा कि जब ये मैग्मा बाहर आ जाए तो इसको लावा कहते हैं, अगर ये अर्थ के अंदर या सेंटर में रहे तो हम इसको मैग्मा कहते हैं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है, मैग्मा है, लावा है, लेकिन इसमें इग्नियस रॉक्स कहाँ पे हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मॉल्टन मैटर व्हेन इट सॉलिडिफाइज आइदर अंडर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यही जो पिघला हुआ मिनरल है जो मैग्मा की फॉर्म में अंदर था या बाहर लावा की फॉर्म में निकला, तो यही मैग्मा या लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है, इसमें आग ख़त्म हो जाती है, खुश्क हो जाता है, तो ये जो पत्थर की फॉर्म लेता है इसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आई रिपीट कि अर्थ के सेंटर के अंदर टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा होता है तो यहाँ पे मिनरल्स पिघल जाते हैं और मैग्मा की फॉर्म ले लेते हैं, मतलब पिघले हुए पत्थरों की फॉर्म ले लेते हैं, और जब ये अर्थ के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है, और जब ये वॉल्केनो की तरह इरप्ट होकर बाहर निकलता है तो इसको हम लावा कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैग्मा लिखा है और यहाँ पे लावा लिखा है, और जब ये दोनों या तो अंदर या तो बाहर ये खुश्क हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, दोबारा आग इनमें ख़त्म हो जाती है, तो फिर इनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इसमें फिर हम अभी देखेंगे कि दो टाइप्स की इग्नियस रॉक्स हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हम पढ़ेंगे, द मॉल्टन मैटर मूव्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज आइदर डीप इनसाइड द अर्थ और नियर इट्स सर्फेस एंड समटाइम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब बताने का मकसद ये है कि जब भी ये रॉक्स चाहे अंदर सॉलिडिफाई हो जाए, और ये डिपेंड करता है कि हो सकता है यहाँ पे वीक पोजीशन हो अर्थ के किसी जगह पे, और ये थोड़ा साइड पे जाके एक साइड पे खुश्क हो जाए अर्थ के अंदर ही, तो ये हम इनको कहेंगे इंट्रूसिव। इन का मतलब होता है अंदर, और एक्स आप याद रखिएगा बाहर, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, इंटरनल होता है अंदर और एक्सटर्नल होता है बाहर, तो इसी उसी उन्हीं लफ्ज़ों से आप याद रखें, इन का मतलब है अंदर और एक्स का मतलब है बाहर। तो अगर ये रॉक सॉलिडिफाई अंदर ही हो रहे हैं अर्थ के तो इनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे, और अगर ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं बाहर तो हम इनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। और इन दोनों की मिसाल दी गई है, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनमें बसाल्ट एक एग्जाम्पल है, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द वर्ड इग्नियस इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लैटिन एक वर्ड है इग्निस, उसका मतलब होता है फायर, उसी के नाम से ये इग्नियस रॉक्स बने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको दोबारा से इसको रिव्यू करें तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो मिनरल्स हैं वो पिघल जाते हैं और मैग्मा की फॉर्म ले लेते हैं, और मैग्मा क्या है, एक पिघली हुई रॉक्स है या पिघली हुई फॉर्म है। यही मैग्मा अगर अंदर रहे अर्थ के तो इसको मैग्मा कहते हैं, अगर ये बाहर आ जाए वॉल्केनो इरप्शन से तो इसको हम लावा कहते हैं, अंदर मैग्मा बाहर लावा, और यही जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो इनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, अगर बाहर सॉलिडिफाई होंगे तो इंट्रूसिव इग्नियस सॉरी बाहर सेलेट सॉलिडिफाई होंगे तो एक्सट्रूसिव, और अगर अंदर सॉलिडिफाई होंगे तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे। यहीं पे पैराग्राफ आप ये खुद रीड कर लें, यही चीज़ लिखी है कि जब सॉलिडिफाई अंदर होते हैं तो उनको इंट्रूसिव कहते हैं, और उनकी एग्जांपल उन्होंने कहा है, और इनको जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं इनको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, उनकी एग्जांपल ग्रेनाइट वगैरह यहाँ पे दी हुई है। और इसी के बाद बाहर का भी हम बात कर लेते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उसकी भी ये बताया हुआ है कि जब बाहर सॉलिडिफाई होंगे तो उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे, और उसमें बसाल्ट और ऑब्सीडियन आदि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। या आप खुद पढ़ लें, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज क्विकली, दैट्स वाई. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि अंदर जो है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो अंदर बनते हैं, रॉक सॉलिडिफाई होते हैं, वो स्लो स्लो होते हैं, जबकि बाहर क्योंकि टेम्परेचर और वहाँ पे बाहर ऑक्सीजन भी होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से आग जल्दी बुझ जाती है और जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं कि इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग में बनते हैं, शुरू में बनते हैं, मतलब अंदर या तो बन जाते हैं या बाहर बन जाते हैं, क्योंकि हम आगे जब जाके सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे वो किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं लेटर स्टेजेस में. इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हैं जो अंदर खुद बन जाते हैं या बाहर खुद ही आके बन जाते हैं, तो ये प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहलाते हैं. क्रिस्टल्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स, क्योंकि आपने देखा है कि अर्थ के सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो बहुत ज़्यादा आग की वजह से और पकने की वजह से इनमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं. देर आर नो लेयर्स इन दीज रॉक्स, क्योंकि इतने गर्म होते हैं और इसके अंदर तमाम जो भी अगर एयर हो या कोई भी बबल्स वगैरह वो निकल जाते हैं, इसलिए इनमें लेयर्स भी कोई नहीं होती. दीज रॉक्स आर हार्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पकते हैं और उसमें आग में टेम्परेचर की वजह से अगर इंट्रूसिव आप देखेंगे तो वो ग्रेनाइट की एग्जाम्पल है. ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए दीज रॉक्स आर हार्ड. फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स आर नॉट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स भी नहीं पाए जाएंगे. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स. थैंक यू वेरी मच.